करिएगा, इसको मॉनिटर करिएगा और जनता के हित में आकर जाइए। भाई आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। शहर की जो समस्या है, अब जल संस्था कह रहा है कि आपके घर में सीवर का ये गंदा पानी आए तो आपके दिल पे क्या बीतेगी, आपके बच्चे कौन सा पानी पिएंगे, ये चिंता हमारी है। तो आप एडीबी से और आप राजेश जी जल संस्था से आप ये तय कर दीजिए, दोनों अधिकारी आप दोनों विभाग सरकार के अधीन है और आप जनता की सेवाओं के लिए आए, आपके प्रोजेक्ट में जो कमियां हैं आपका दोनों निराकरण करना होगा आपको। जहां पर लीकेज है, जहां पर कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए भाई साहब। चाहे मुझे दिल्ली कैबिनेट मंत्री के पास जाना पड़े, मैं इस एडीबी प्रोजेक्ट अगर रुड़की में सक्सेसफुल नहीं हुआ, जैसी मुझे आशा है नहीं होने वाला, तो आप लोग सब लोग सुधर जाए और इसे जनता के हित को। बहुत शिकायतें जनता की मिल रही थी कि बहुत जगह गंदा पानी जो है वो घरों में आ रहा है और कई जगह पानी ना आने की शिकायतें थी। आज मैंने जब ये सूचना बहुत जगह से फोन आए तो मैंने दोनों अधिकारियों को एक ही टेबल पर बैठने को कहा और मैं यहां पर पहुंचा। हो क्या रहा है कि एडीबी वाले जल संस्था पे आरोप लगा रहे हैं, जल संस्था वाले एडीबी पे आरोप लगा रहे हैं। आज इन दोनों अधिकारियों को यहां बिठाकर इनको यह चेता दिया कि 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 2013 से जो चला था एडीबी का, दुर्भाग्य है कि जो अच्छे के लिए भले के लिए जो कार्य जनता का होना था वो कार्य आज जनता उसको अभाग्य मान रही है। आज जनता उसका रोना रो रही है, बच्चे लोगों के घर में बीमार हो रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे अधिकारियों को मैंने चेताया कि मैं आपको रुड़की से जाने नहीं दूंगा, रुड़की की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अगर आपने अपने ठेकेदारों की पेमेंट रोक रखी है तो उनको रोक दी जाए। मैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जल सचिव के माध्यम से और कैबिनेट मंत्री के माध्यम से मैं एडीबी के इनको रुड़की से जब तक ये ठीक करके नहीं जाएंगे, ये अपनी व्यवस्था सही तरह से करके नहीं जाएंगे, इनको रुड़की शहर को छोड़ने नहीं। उसके कारण जो है डायरिया पीलिया फैलने का भी लोगों से शिकायतें मिल रही है और जो है वो शिकायतें ये थी गंदे पानी जो है पुरानी लाइनों से आ रहा है। अब हमने कल किया क्या, मेन लाइन को पुल से जो नगर निगम के सामने पुल है उस पुल से क्रॉस करती है मेन पुरानी लाइन गई है, उस लाइनों का हमने काट के बंद कर दिया और उसे बंद करने के बाद आज सुबह ही सड़कों मेरे पास आए हैं। मैं सुबह फील्ड में निकल गया था, चंदपुरी विटीगंज का कुछ क्षेत्र, अनाज मंडी का क्षेत्र और अमरलापुर भी, यहाँ पर पानी की दिक्कतें आई हैं। दिक्कतें इसलिए आई हैं कि यहाँ लाइन डाली हुई है एडीबी द्वारा लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं किए गए थे, लोग पुराने लाइन से ही पानी का यूज कर रहे थे, पुरानी लाइन बंद करने से दिक्कतें आई हैं। अभी जब प्रदर्शन ने लाइन बंद कर दी थी इसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं गया, इसके लिए हम कल लोग सर्वे कराएंगे। आज शाम को जो है पुरानी लाइन पुनः जोड़ के जलापूर्ति पूर्ति कर दी जाएगी और जो क्षेत्रों में पानी नहीं जा रहा है उसका कलम सर्वे कर लेंगे। जहाँ नई लाइनें नहीं पड़ी है या नए कनेक्शन नहीं हुए हैं हम लोग कल सर्वे कर लेंगे, जिन क्षेत्रों में नहीं पड़ी हुई है वहाँ डाल देंगे और पुरानी लाइनें बंद कर देंगे।